हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डीआर स्टडी पॉइंट में। आज हम लोग सीआईएसएन के किसी विशेष टॉपिक के किसी विशेष टाइप के बारे में बात करने जा रहे हैं। एक ऐसा टाइप जो कि अगर फॉर्मूला से या किसी भी और प्रोसेस से बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, और हम लोग जो अभी सीखने जा रहे हैं वो और भी आसान हो जाता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आपने ये नहीं पढ़ा होगा, मैंने अपने ऑफलाइन क्लासेस में बहुत और बता चुका हूँ मैं इस टाइप के चीज़ों को, और भी इसे एक्सप्लोर करेंगे और जितने भी तरह के एक्सेप्शंस होते हैं उन सब एक्सेप्शंस को भी जानेंगे। क्योंकि अगर किसी सवाल में या किसी चीज में कोई एक कॉन्सेप्ट या कोई एक रास्ता बनता है तो उसका एक एक्सेप्शन भी जरूर होता है, ये चीज हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, तो बिना देरी के हम लोग सेशन को शुरू करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे कैसे हम लोगों को चीजों को बदलना है और कैसे कैसे क्या क्या करना है। ठीक है, पहले मैं कुछ चीजों को यहाँ पे आपको क्लियर करता हूँ। यहाँ पे पहले एक चीज समझो कि अगर मैं बोलूं कि रेट जो है वो है 12.5%, तो 12.5% है, उसकी फ्रैक्शनल वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/8 हो जाएगी। ठीक है, हम लोग दोनों टाइम लेके चलेंगे, एक बार टाइम लेंगे हम लोग 2 साल और एक बार टाइम हम लोग लेंगे 3 साल। ठीक है, हमें क्या करना है, एक ट्री बनाना है, और पहले यहां से ना बेसिक से हम लोग एकदम हाई लेवल तक पहुंचेंगे कि जिसमें तुम्हें कम से कम 2 से 3 मिनट लग रहा है या तुम उसे स्किप करके आओगे और उसे मैं तुम्हें चुटकियों में बनाना सिखाता हूँ। ठीक है, साथ ही साथ एक्सेप्शन को भी ध्यान में रखना है। एक्सेप्शन बहुत कम मिलता है सीखने को, लोग ट्रिक बता देते हैं ऐसे कर लो वैसे कर लो, लेकिन एक्सेप्शन कोई नहीं बताता है। हम लोग शुरू से लेके एक्सेप्शन तक सीखेंगे, ये चीज को ध्यान में रखना है। ठीक है, अब एक चीज यहाँ पे समझो कि अगर 2 साल है तो मैं यहाँ पे प्रिंसिपल जो मानता हूँ, जो ट्री बनाने का मेथड है, वो क्या होता है हमारा कि फ्रैक्शन जो आता है उसके डिनोमिनेटर का हम लोग क्या मान लेते हैं, स्क्वायर 2 साल के लिए, और 3 साल के लिए प्रिंसिपल जो मानते हैं वो क्या मानते हैं, इसका क्यूब मानते हैं। ठीक है, अब यहां से 2 साल जब जाएगा तो पहले साल में ये 1/8 लगेगा, तो पहले साल में ये क्या दे देगा, 8 दे देगा, और दूसरे साल में भी ये 8 देगा, और सीआई जब जाएगा तो यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सिमिलरली यहां से समझो, देखो इसे कितना सारा चीज तुमको सीखने को मिलेगा, ये चीज समझना। सिमिलरली तुम यहां से समझो कि पहले साल जब तुम हर बार 1/8 साढ़े 12% बोलो या 1/8 बोलो, बात बराबर है। ये तुम्हें क्या देगा, 8 का स्क्वायर देगा, ये तुम्हें 8 का स्क्वायर, और ये भी 8 का स्क्वायर, यहां से यहां हो गया 8 का स्क्वायर अगेन, सॉरी 8 के पावर 1 हो गई। ठीक है, 1/8 लगाएंगे तो यहाँ पे भी 8 के पावर 1, ये अगेन 8 के पावर 1 देगा यहाँ पे, और ये यहाँ पे क्या दे देगा, 1 देगा। सिंपल सा ये चीजें यहाँ पे समझ। अब एक चीज समझो यहाँ पे कि ये हो गया 2 साल का और ये 3 साल का, हम लोग स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से लेके आते हैं। ठीक है, अगर मैं इस वाले पार्ट की बात करूं, जो 8 का स्क्वायर यहाँ पे 64 दिख रहा है, ये क्या है हमारा, ये है हमारा पहले साल का ब्याज। ठीक है, अगर इस पार्ट की मैं बात करूं, 8 8 64 और 64 और 8 कितना हो गया, 72, तो ये है हमारा दूसरे साल का ब्याज। ठीक है, फिर यहाँ पे आ जाओ, इधर देखो 64 और 16 कितना हो गया तुम्हारा, 80, और 1 कितना हो गया, 81, ये है हमारा क्या, तीसरे साल का ब्याज। ठीक है, ये हमारा क्या है, तीसरे साल का ब्याज। अब हम लोग सवाल से ही सवाल उठाना शुरू करते हैं। एक सवाल तुमसे ये देगा कि दूसरे साल का, याद रखना सेकेंड ईयर का बोल देगा और थर्ड ईयर का बोल देगा कि सीआई का जो रेशियो है वो है तुम्हारा 72:81। ठीक है, वो क्या है तुम्हारा, 72 क्या है, 81 है। तुमसे पूछ देगा रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाले, या तुमसे ऐसे भी डायरेक्ट भी दे देगा, कोई मल्टीपल के फॉर्म में दे देगा कि 2 साल का 72 के मल्टीपल में कोई है, वही मल्टीपल में 81 के मल्टीपल में है। सीआई और एसआई में हम लोग आगे के सवालों में भी देखेंगे, तो हमें बताइए भैया कि सीआई क्या हो। ठीक है, तुम यहां से चाहोगे तो इस सवाल को डायरेक्ट कर सकते हो। कैसे डायरेक्ट करोगे, अब ये चीज को समझना। अभी तक तुमने अमाउंट पे किया था, अब एक चीज यहाँ पे समझो कि अगर कोई राशि 1 से 8 हो, 1/8 है हमारा, ठीक है, तो वो क्या होता है, 8 से 9 होता है पहले साल में, और दूसरे साल में क्या होता है, 64 से 81। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रिंसिपल और अमाउंट की चर्चा। लेकिन यहाँ पे हम लोग जो आज डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्लियरली कहीं पे भी प्रिंसिपल और अमाउंट के रेशियो से नहीं आएंगे, हम लोग सेकेंड ईयर थर्ड ईयर या सीआई के रेशियो से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब सिंपल सा एक लॉजिक तुम यहाँ पे देखो कि 8 से 9 का हमारा बेसिक स्केलिंग फैक्टर है हमारा। ठीक है,
अगर मैं इनका रेशियो निकालने के लिए बोलूं तो यहां से यहां देखो तो ये क्या 8 से 9 देगा, अगर मैं इनका रेशियो निकालने के लिए बोलूं तो ये भी देखो तो यहां से क्या 8 से 9 देगा। ठीक है, मतलब इंटरेस्ट में भी वही रेशियो फंक्शनिंग काम कर रहा है जो रेशियो फंक्शनिंग हमारा स्केलिंग फैक्टर का। ठीक है, स्केलिंग फैक्टर ध्यान में रखना है। अब तुम यहां से एक चीज देखो कि ये फर्स्ट है और ये थर्ड है, तो फर्स्ट से थर्ड का जब तुम रेशियो निकालोगे तो ये तुम्हारा देगा 64:81, कोई चेंज नहीं। स्केलिंग फैक्टर का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, क्योंकि टाइम जनरेशन का गैप कितना है, 2 साल का है। ठीक है, अब सिंपल सा जब स्केलिंग फैक्टर के बेसिस पे हम लोग चल ही सकते हैं तो हम लोग सिंपल सा यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि 72 रुपए था दूसरे साल में और 72 रुपए होगा तीसरे साल में, तो होगा ही 72 रुपए, और एडिशनल कितना आया, 9 रुपए आया, तब जाके ये हो गया 72 और 9 कितना, 81। अब यहाँ से देख लो एडिशनल जो आया है 72 का कितना परसेंट है, तो 72 का यहाँ से आर परसेंट निकालोगे तो फ्रैक्शन में तुम्हें 1/8 मिलेगा, 1/8 की वैल्यू होती है 12.5%। ठीक है, बेसिक सा ये कॉन्सेप्ट जो है ये क्लियर कर लो सबसे पहले, और इसके बाद जो है हम लोग एक और टाइप में समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब एक चीज देखो कि मैं इसी चीज को जो है थोड़ा सा और जो है अरेंज करता हूं, कि अगर मेरा प्रिंसिपल ये है तो पहला साल जो हमारा देगा वो क्या देगा, इसका 1/8 देगा जो कि क्या होगा, 8 होगा। सेकेंड ईयर की अगर मैं बात करूं तो सेकेंड ईयर यही है ना हमारा, मैं इसे डायरेक्ट ऐसे लिखता हूं 8 का स्क्वायर और प्लस में क्या लिखता हूं, 8 के पावर 1, वही होगा। मैं तीसरे साल में बात करता हूं, तीसरे साल में देखो क्या क्या है हमारा, तीसरे साल में यहां पे है 8 का स्क्वायर प्लस में 8 प्लस में 8 और प्लस में 1। ठीक है, अब यहां से ना एक भाषा बिल्ड करते हैं हम लोग, ये 8 का स्क्वायर है यहाँ पे। ठीक है, पहला साल 8 का स्क्वायर, दूसरा साल 8 का स्क्वायर प्लस 8, तीसरा साल 8 का स्क्वायर प्लस 8 प्लस 8 प्लस 1। ठीक है, हम लोग यहां से ना एक भाषा बिल्ड करते हैं, भाषा क्या बिल्ड करते हैं हम लोग, कि अगर पहला साल 8 का स्क्वायर है तो दूसरे साल में जो जाएगा वो 8 का स्क्वायर तो जाएगा ही, एडिशनल क्या जाएगा, 8 का स्क्वायर का 1/8 जाएगा। हम लोग तीसरे साल में अगर बात करते हैं तो तीसरा साल में ये दूसरा साल वाला ब्याज तो जाएगा, ये 8 का स्क्वायर प्लस 8 तो जाएगा ही यहाँ पे। ठीक है, जो कि देखो यहाँ पे गया, लेकिन इसका एडिशनल जो है 1/8 जाएगा। तो जब तुम 8 का स्क्वायर प्लस 8 का 1/8 करोगे, मतलब 1/8 से भाग दोगे, तो यहाँ पे तुम्हारा क्या हो जाएगा, 8 से ये 1 खत्म और ये 1 दे देगा यहाँ पे। तो वही चीज हम लोग का यहाँ पे लिखा हुआ है 8 प्लस 1, सिंपल सा ये एक स्ट्रक्चर को समझो, और इसी स्ट्रक्चर के बेसिस पे हम लोग जो है एक और फंक्शन को समझते हैं। ठीक है, उम्मीद करता होगा कि जिनको ये बेसिक्स नहीं पता था ये बेसिक्स अभी क्लियर हो गया होगा। अब एक यहां से एक और चीज को समझो, मैं यहाँ पे एक और चीज लेता हूँ कि मान लो अब मुझे रेट ही निकालना है, ये तो स्ट्रक्चर समझने की बात हुई कि स्ट्रक्चर ऐसे से काम करता है। ठीक है, अब मुझे कोई रेट निकालना है आर परसेंट जिसकी फ्रैक्शनल वैल्यू है 1/8। देखो रेट जब परसेंटेज में दिया होता है तो दो तरह का फ्रैक्शन होता है, तुम्हें जो बताया जाता है ना, जो तुम्हें दिखाने के लिए बताया जाता है, या यूं बोलूं मैं, जो तुम्हें दिखता है वो सिर्फ 1/x दिखता है, लेकिन परसेंटेज को जब हम लोग तोड़ते हैं तो दो तरह के फ्रैक्शंस आते हैं। और वो दो तरह के फ्रैक्शंस कैसे होते हैं, जैसे अगर मैं 12.5% को तोड़ूं 1/2 को तो ये 1/8 होगा, लेकिन यही मैं 15% को तोड़ूं तो ये होगा 3/20, यही मैं 10% को तोड़ूं तो ये होगा 1/10, और यही मैं 30% को तोड़ूं तो ये होगा 3/10। दो तरह का फ्रैक्शन है, एक में क्या है हमारा कि नम्रेटर में हमारा 1 होता है ऑलवेज, और एक में क्या होता है नम्रेटर और डिनोमिनेटर अलग अलग होते हैं, मतलब नम्रेटर में 1 नहीं होता, डिनोमिनेटर तो छोड़ दो, डिनोमिनेटर तो कुछ ना कुछ आ गई, नम्रेटर में 1 नहीं होता है, दो तरह की चीजें होती है। ठीक है, तो अभी हम लोग जो समझेंगे वो समझेंगे 1/x की उन परसेंटेज का जिसमें 1/numerator में क्या आता है 1 आता है। तो तुम्हारे दिमाग में ये सवाल उठ रहा होगा कि जब ये ऐसा समझेंगे तो उसके लिए क्या अलग समझेंगे, कोई अलग समझने की जरूरत नहीं है, इसी प्रोसेस पे हम लोग आगे काम कर लेंगे। बस इस चीज को ध्यान से समझ लो कि अगर आर परसेंट है तो आर परसेंट हमें क्या देगा, 1/x देगा। ठीक है, मैंने क्या बोला था, 2 साल ले लो और 3 साल ले लो, दोनों देख लो, ठीक है, कोई ज्यादा अंतर नहीं आएगा दोनों में, 2 साल ले लो और 3 साल ले लो। तो प्रिंसिपल जो लोगे वो क्या हम लोगों ने किया था इसके पहले वाले में, देख लो एक बार फिर से,
इसके पहले वाले में हम लोगों ने क्या किया था कि अगर 1/8 था हमारा, तो हम लोगों ने क्या लिया था, 2 साल के लिए 8 का स्क्वायर और 8 का क्यूब, ठीक है। तो हम लोग भी सिमिलरली यहाँ पे क्या लेंगे, 1/x है तो क्या लेंगे, 2 साल के लिए एक्स स्क्वायर और यहाँ पे क्या लेंगे एक्स, इसे भी 3 ब्रांच में बांटेंगे, इसे भी यहाँ पे 2 ब्रांच। 1/x तो हर बार लगेगा, 1/x जब लगाएंगे तो ये x, यहाँ पे x और यहाँ पे a, ठीक है। यहाँ पे 1/x लगाओगे तो ये तुम्हें देगा एक्स स्क्वायर, ये भी देगा एक्स स्क्वायर, ये भी देगा एक्स स्क्वायर, यहाँ से आओगे तो x, यहाँ आओगे तो x, फिर यहाँ आओगे तो x एंड देन यहाँ पे, ठीक है। बेसिकली हमें 3 साल के स्ट्रक्चर पे फोकस करना है, 3 साल का स्ट्रक्चर को समझो। फर्स्ट ईयर का अगर मैं बात करूं, फर्स्ट पहला, नॉट पूरे एक साल, फर्स्ट ईयर की अगर मैं पहला, और ये तो एक ही है, दूसरे साल से भी लागू होता है, सेकेंड और टू ईयर में अंतर होता है। सेकेंड ईयर कहने का मतलब क्या हो गया, सिर्फ दूसरे साल का बोल रहा है, और दो ईयर कहने का मतलब, टू ईयर कहने का मतलब क्या हो गया, पूरा पूरी 2 साल पहला दूसरा मिला, ठीक है। फर्स्ट ईयर में अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट ईयर में कितना है हमारा एक्स स्क्वायर, अगर मैं सेकेंड ईयर में बात करूं तो सेकेंड ईयर में कितना है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है, जिसे मैंने क्या बताया था अभी तुरंत फादर पहले कि एक्स स्क्वायर तो जाएगा ही, इसका अगेन 1/x जाएगा, जो कि 1/x क्या होगा x। तो अब थर्ड ईयर का तुम ऐसे भी लिख सकते हो कि एक्स स्क्वायर है और प्लस एक्स जाएगा ही, और इसका 1/x जाएगा, तो इसका 1x² का 1/x x होता है और x का 1/x क्या होता है 1 होता है। देखो शायद यही सेम चीज यहाँ पे तीसरे साल। अच्छा, इस फंक्शन को क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस में 1, और इसे एक्स प्लस 1 का मैं होल स्क्वायर लिख दूं, क्या ये लिखा जा सकता है? बिल्कुल लिखा जा सकता है, ठीक है। अब यहां से ये तो निकल के आ गया तीसरे साल का सीआई, ये क्या है थर्ड ईयर का सीआई है, ये क्या है सेकेंड ईयर का सीआई है, ये फर्स्ट ईयर का सीआई। थोड़ा सा इसमें भी देख लो, टू ईयर का ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये एक्स होगा फर्स्ट ईयर में, और सेकेंड ईयर में क्या हो जाएगा तुम्हारा एक्स प्लस 1, यानी कि एक्स तो जाएगा ही, और एक्स का 1/x कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर यहां से तुम्हें क्लियर हो जाना चाहिए। अब यहां से एक और चीज समझो कि SI भी यहां पे होगा, ठीक है। अगर प्रिंसिपल मेरा एक्स स्क्वायर है और मैं 2 साल का या पहले 1 साल का, फर्स्ट 1 साल का, ठीक है, 1 ईयर का तुमसे SI पूछ दूं, तो SI क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर पे 1/x, जो कि क्या दे देगा एक्स, ठीक है। अगर इसी में मैं तुमसे 2-3 साल के लिए पूछ दूं, 3 साल के लिए, तो 3 साल का क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर गुने में, सॉरी इसमें 3 साल नहीं, इसमें तो 2 ही साल होगा, ठीक है, इसमें तो 2 ही साल होगा क्योंकि 2 साल के लिए हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। इस पर्टिकुलर सवाल में समझो कि अगर इस पर्टिकुलर सवाल में मैं SI तुमसे 2 साल का पूछूं, तो प्रिंसिपल तुम्हारा कितना है एक्स क्यूब है, और रेट कितना है 1/x है, और टाइम कितना है तुम्हारा, तो होता है ना SI का क्या होता है भैया, SI बराबर होता है PRT/100। तो R/100 तो हम लोगों ने निकाल रखा है, वो कितना है 1/x है, तो PX³ R/1/x और टाइम 2, तो x काट देंगे ये स्क्वायर, यानी कि ये क्या दे देगा 2x² दे देगा। यही अगर मुझे SI 1 साल का पूछा होता, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं X³ गुने में 1/x और गुने में 1, अब यहां से काटते 2 बार में, ये क्या दे देता सिर्फ x² दे देता। अगर 3 साल का पूछता तो अब तो मुझे लगता नहीं है कि मुझे कुछ एक्स्ट्रा लिखने का जरूरत है, डायरेक्ट तुम लिखोगे 1 साल का x², 2 साल का 2x², तो 3 साल का कितना 3x². और ये जितनी भी चीजें हैं इन सभी चीजों का रेशियो क्या होना है इक्वल होना है। बेसिकली मैं अभी तक जो बताना चाह रहा हूं तुम्हें उसमें से जो इंपॉर्टेंट है वो ये वाला पार्ट एंड थोड़ा सा ये वाला। अगर ये चीजों को तुम डायरेक्टली समझ सकते हो तो तुम्हारा सवाल ना जाने कितने तरीकों से आसान हो सकता है, तुम अंदाज भी नहीं लगा सकते, ठीक है। अभी 2 वीडियो हम लोग का जो चलेगा वो थ्योरी बेसिस पे चलेगा, उसके बाद फिर इकट्ठे हम लोग मिक्स सवालों को देखेंगे कि कैसे कैसे क्या करना, ठीक है। तो अब देखो ये सवाल में हम लोग का यहाँ से फिर इस पे बेस्ड कुछ सवालों को हम लोग लेके चलते हैं, और सवालों में क्या करना, बस इतना ध्यान में रखना कि 3 साल के लिए प्रिंसिपल की अगर बोलेगा तो प्रिंसिपल x³ हो जाएगा हमारा, अगर पहला साल का सीआई बोलेगा तो x², दूसरा का x² प्लस 1, और तीसरा बोलेगा तो x+1 का होल स्क्वायर, ये यहाँ पे ध्यान में रख लेना, इसमें कहीं से भी कोई तरह का दिक्कत नहीं लेना, ठीक है। अब यहाँ से चलो हम लोग सवालों की ओर बढ़ते हैं और सवालों से सीखते हैं कि सवाल में हम लोग को करना क्या, कैसे कैसे करना है, ठीक है।
पहला सवाल देखो, पहला सवाल क्या बोल रहा है, CI on a principal for 2 year, 2 साल और 3 साल का CI जो है 315 और 507, ठीक है। अच्छा मैं थोड़ा सा जो है वापस तुम्हें यहां पे लेके जाना चाहूंगा, एक चीज जो है यहां से और समझो, ठीक है। अगर ये 3 साल का अगर मैं बात करूं, 3 साल का, तो थोड़ा सा ध्यान देना, मैं थोड़ा कलर चेंज करके तुम्हें समझाता हूं, ठीक है। अगर मैं 3 साल का बात करूं, पूरे पूरी 3 साल का, तो ये क्या होगा, पूरा होगा। अगर मैं 2 साल का बात करूं, तो 2 साल का क्या होगा हमारा, 2 साल का ये पूरा होगा, ठीक है। अगर मैं तीसरे साल का बात करूं, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये वाले पार्ट में, ये वाले पार्ट को, ये ब्लू वाले जो घेरा हूं मैं, और ये रेड वाले को घटा दूं, तो मैं क्या निकल के आ जाएगा, तीसरा साल निकल के आ जाएगा। तो सिमिलरली थर्ड ईयर का जो सीआई निकल के आता है, वो कैसे निकल के आता है हमारा, 3 ईयर का सीआई माइनस 2 ईयर का सीआई, थर्ड ईयर का, तीसरे साल का जो निकल के आता है वो क्या आता है, कंप्लीट 3 साल में अगर 2 साल के सीआई को घटा देंगे, तो क्या निकल के आ जाएगा हमारा, तीसरा साल का सीआई निकल के आता है, ठीक है। चलो सवालों पे आते हैं हम लोग, सवाल देखते हैं सवाल क्या है, ठीक है। पहला सवाल देखते हैं, सीआई ऑन अ प्रिंसिपल इज 2 ईयर एंड 3 ईयर इज 315 and 507, ठीक है। तो मैं यहां से आपसे पूछना चाहता हूं, थर्ड ईयर का, ये 3 साल का है, कंप्लीट 3 साल, शुरू से लेके पहला दूसरा तीसरा मिला के ये है, और ये पहला दूसरा मिला के, मैं सिर्फ तीसरे साल का आपसे अगर पूछूं, तो तीसरे साल का आप क्या बोलोगे, 507 में 315 घटा दीजिए, तो ये आपको दे देगा 192, ठीक है। ये क्या दे देगा, 192। और मैं आपसे दूसरे साल, 2 साल का पूछू, पूरा पूरी 2 साल का, तो 2 साल का तो ऑलरेडी दिया हुआ है 315, और मैं अगर इसका रेशियो निकालने के लिए बोलूं, तो आप 4 से निकालोगे, 3 से काट दो इसे, 3 से काटोगे 64 बार में कट जाएगा, और 3 से काटोगे तो ये 105 बार में, ठीक है। अब देखो जैसे ही 3 साल बोला ना, तो तुम्हें ये स्ट्रक्चर ध्यान में रखना है कि प्रिंसिपल हमारा एक्स क्यूब था, पहला साल हमारा एक्स स्क्वायर होगा, दूसरा साल हमारा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स होगा, और तीसरा साल के लिए मैंने क्या बताया था, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर बताया, ठीक है। तो तीसरा साल के लिए मैंने ये बता दिया। अब अगर ये दोनों का मैंने यहाँ पे रेशियो रखा है, तो ये 64/105 जो है, ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो एक्स प्लस वन के होल स्क्वायर को, और बटे में 2 साल है, तो ये दोनों को एड कर दो, दैट इज 2x² प्लस में x, यही होगा ना, मुझे इसके अलावा और कुछ भी नहीं करना। अब देखो यहां से फायदा क्या हो, अब तुम डायरेक्ट एक चीज देखो कि ये स्क्वायरिंग में है, अगर कट रहा है तो ठीक है, नहीं कट रहा है तो तब तक काटेंगे जब तक ये कोई स्क्वायर में ना आ जाए, ठीक है। थोड़ा सा चेक करना, अगर x प्लस वन की वैल्यू, x प्लस वन का होल स्क्वायर की वैल्यू मैं 64 बोलूं, तो x की वैल्यू कहीं 7 तो नहीं आएगी। अब नीचे थोड़ा सा चेक कर लो, 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49, 49 इंटू 2 कितना होता है, 98, और यहाँ पे 7 डाल दोगे तो 105 सेटिस्फाई कर जाएगा। यानी जो रेट, ये x क्या माना था मैंने, x क्या था हमारा, r परसेंट की वैल्यू क्या होती है, 1/x होती है, x हमारा ये था ना, तो r परसेंट जो निकल के आ गया वो कितना निकल के आ गया, 1/7 निकल के आ गया, और यही हमारा क्या दे देगा, 14 2/7% दे देगा, और इस सवाल का आंसर हो जाएगा 14.28%, या जैसे भी दे, 27 देते या ऐसे देते, जो देते। तो अब एक चीज बताओ मुझे कि इस वाले टर्म को तो मैं देखूंगा तक नहीं ना अगली बार से, मैं तो डायरेक्ट यहीं से निकाल दूंगा ना, 64 दिए हुए हमारा, तो ये भैया x प्लस वन का वैल्यू दी, होल स्क्वायर का वैल्यू है, तो x की वैल्यू 7 हो गई, 7 से r परसेंट निकाल दो, 1/7 14 2/7 हो गया खत्म। बस तुम्हें करना क्या है, तुम्हें इन दोनों को तब तक काटना है जब तक कि कोई एक परफेक्ट स्क्वायर ना आ जाए, और थोड़ा सा अपने कंफर्मेशन के लिए ऊपर नीचे जो है थोड़ा सा चेक करना, ये चेक करना मत भूलना, यही होता है एक्सेप्शंस के केस में, तुम्हें ये सिखा दिया जाता है कि तुम ये डायरेक्ट कर लो, ठीक है, और उसके बाद जो है तुम निकल जाते हो। बहुत सारे लोगों का ना मैंने मैसेज भर रखा था मेरे व्हाट्सएप पे, ये एक्चुअली मैं यहाँ पे एक्सेप्शन वाले केस में काम क्यों नहीं कर, एक्सेप्शन भी हम लोग समझेंगे, मैंने तुम्हें डिफरेंस बताया ना कि वो 1/x होता है, एक में नंबर, हर एक के केस में नंबरेटर 1 होता है, और कुछ ऐसे केस होते हैं जिसमें नंबरेटर 1 नहीं होता, नंबरेटर 1 के केस में हर बार काम करेगा, जहां नंबरेटर 1 नहीं होगा वहां काम नहीं करेगा, लेकिन वहां करेंगे क्या, वहां पे भी कुछ देसी जुगाड़ है, ठीक है,
जुगाड़ ढूंढते हैं भैया हम लोग, ठीक है, जुगाड़ ढूंढने में हम लोग एक्सपर्ट हैं। चलो देखो दूसरा सवाल क्या है। एन अमाउंट इज बीइंग इन्वेस्टेड बाय रमेश फ्रॉम विच सीआई एट द एंड ऑफ टू ईयर इज 1320। सीआई जो है 1300 क्या है, 20 है हमारा, ठीक है। फिर यहाँ पे हमारा तीन साल के अंत में कितना है, 2184, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग इसे काट देते हैं तो 12 से मैं अगर इसे काटूंगा तो 12 से ये साफ साफ दिख रहा है 110 बार में कटेगा, और 12 से इसे जब मैं काटूंगा तो 1, 8 और 2, ठीक है, 182 कट जाएगा, और भी कट रहा है, 2 से काट दो 91 बार में, 2 से काट दो 55 बार। तो यहां से 3 साल का और 2 साल का जो है रेशियो अगर मैं पूछूं तो 91/55, ठीक है। और इसी को मैं अगर कन्वर्ट कर दूं तुमसे कि थर्ड ईयर का और टू ईयर का बताओ, तो थर्ड ईयर के लिए क्या होगा, 3 साल में से 2 साल को घटा दो, 91/55 चला जाएगा 36, और नीचे में हो जाएगा 55, ठीक है। और इसी को मैं बोलूंगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर के बराबर, तो यहां से ये x प्लस 1 यानी कि 6 हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। मतलब रेट परसेंट का जो फ्रैक्शन होगा वो होगा 1/5, ठीक है। तुमसे निकालने के लिए क्या बोला, देखो फाइंड द प्रिंसिपल, ठीक है, फाइंड द प्रिंसिपल। अगर इसे फॉर्मूला के केस में जाओगे तो अब यहाँ पे तुम करके देख लेना फॉर्मूला के केस में तुम्हारे लिए कितना कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा। स्केलिंग फैक्टर जो है वो 5 से 6 बढ़ रहा है, ठीक है, स्केलिंग फैक्टर जो है वो क्या हो रहा है, 5 से 6 बढ़ रहा है, तो 2 साल में क्या हो जाएगा, 25 से 36 हो जाएगा। 2 साल में कितना हो जाएगा, 25 से 36, और अगर इंटरेस्ट की बात करूं मैं तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 11 की वैल्यू 1320 दी हुई है, तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 120, हमसे प्रिंसिपल निकालने बोला है, प्रिंसिपल 120 कर दो, 25 × 120 क्या हो जाएगा, 3000 हो गया हमारा आंसर। चाहे कितना भी अलग अलग तरह से सवाल पूछ दे, तुम उन चीजों को आसानी से कर सकते हो, बस इस चीज के लिए निश्चिंत, ठीक है। अभी भी हम लोग एक्सेप्शन की ओर नहीं पहुंचे हैं, हम लोग अभी एक्सेप्शन की ओर आएंगे, वहां पे समझेंगे कैसे क्या हो रहा है, और उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे। पहले इन चीजों पे कमांड पालो, एक सवाल और देख लो, ठीक है। एक सवाल देखो क्या है हमारा, एट द रेट, एट व्हाट रेट, किस दर पे 3 साल का सीआई और 2 साल का एसआई का अनुपात ये है, ठीक है। 3 साल का सीआई, 3 साल जैसे ही आता है प्रिंसिपल एक्स क्यूब हम लोग बोलते हैं, पहला साल एक्स स्क्वायर होता है, दूसरा साल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स होता है, और तीसरा साल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस वन होता है, ठीक है। तो अगर मैं पूरे 3 साल की बात करूं तो पूरा 3 साल ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा, 3x² + 3x + 1। अब तुम देखो ये जो तुमने ये निकाला ना, ठीक है, ये जो पार्ट निकाला, ये पार्ट को मैं पहले के 2 पार्ट जो अपलोड किया था उसमें भी मैंने बताया था कि 3 साल का स्टैंडर्ड रेशियो जो होता है वो होता है 3:3:1 का, ठीक है। 3 साल का स्टैंडर्ड क्या होता है, 3:3:1 का, देखो तो 3:3:3:1 है। अगर एक्स स्क्वायर है, इसका 1/x करेंगे तो 1/x क्या होगा हमारा, एक्स स्क्वायर होगा, एक्स स्क्वायर का 1/x क्या होगा, x होगा, x का 1/x क्या होगा, 1 होगा, और कुछ इस तरीके से हम लोग यही चीज लिखते थे, 3x² 3x और यहाँ पे 1, ठीक है। चलो अब इसके बाद देखो, इसके बाद क्या है हमारा, इसके बाद बोला 2 साल का SI, तुम्हें मैंने अभी तुरंत बताया था कि 2 साल के लिए तुम्हें क्या करना है, अगर एक्स क्यूब है तो एक्स क्यूब का 1/x और 2 साल, तो ये स्क्वायर हो जाएगा, यानी नीचे क्या हो जाएगा हमारा, 2x² हो जाएगा, और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 364 बाई में कितना, 100, क्योंकि डेसिमल हटेगा यहाँ से, तो ये नीचे 100 है, ठीक है। अब 2 से इसे काट दो, यहाँ पे 2 से काट दो 50, मैं थोड़ा सा इसे अरेंज करके यहाँ पे फिर से लिख दे रहा हूँ, ठीक है, एक्स स्क्वायर और यहाँ पे 364/50। अब सिंपल सा एक चीज समझो कि तुम्हें नीचे में एक स्क्वायर का टर्म दिख रहा है, मेन फोकस तुम्हें स्क्वायर वाले पे करना, ठीक है, एक ही सिंगल पोर्शन रहेगा। इसके पहले हम लोगों ने क्या देख रहा था, एक्स प्लस वन देख रखा था, और अब हम लोगों ने क्या देख रखा है, ये देख रखा है नीचे हमारा एक्स स्क्वायर, तो हम इसे कन्वर्ट करने के लिए निकल पड़ेंगे। हम इसे काटेंगे 2 से 25 बार में, और 2 से इसे काटेंगे हम लोग 364 को, तो 2 से ये कट जाएगा, 2 से काट दूं, यहाँ पे 200 है ना, ठीक है, 364 है, 100 है, सॉरी ये 2 साल का है ना हमारा, सॉरी ये एक सवाल में दिक्कत है यहाँ पे, ये 1 साल का होगा, ठीक है, 1 साल का ऐसा ही है, तो ये यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, x³ का 1/x,
यानी कि सीधा सीधी एक्स स्क्वायर होगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा यहाँ पे कर सुधार देता हूँ इसे, यहाँ पे ये दो नहीं होगा और मैं इसे थोड़ा सा यहाँ पे फिर से बता दे रहा हूँ तुम्हें, देख लो यहाँ पे ये दो साल नहीं है, यहाँ पे सुधार लेना ये एक साल है। ठीक है, ये एक साल है। अब यहाँ पे देखो ये 100 है हमारा यहाँ पे। ठीक है, अगर मैं चार से काटूँ इसे तो चार से ये कटेगा 25 बार में, और चार से इसे मैं काटूँ तो ये कटेगा 91 बार में। एक्स स्क्वायर है यहाँ पे, और ये वाला पार्ट मुझे क्या यहाँ पे दे देगा, ये वाला पार्ट मुझे यहाँ पे दे देगा 91 बटे में कितना, 25। ठीक है, अब 91 बटे में 25 है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 25 लेके देखो, यानी कि एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी क्या। यहाँ थोड़ा सा सेटिस्फाई कर लो, 5 × 5 25 दिया 75, और यहाँ पे 15 और यहाँ पे 1, भैया 91 दे दिया, सेटिस्फाई कर रहा है। आर परसेंट जो है वो 1/x होता है, यानी 1/5 को हम लोग क्या बोलेंगे, 20%। हो गया खत्म, बस सवालों का करने का एक नजरिया देखना है। देखो इतना एक लाइन का सवाल है ये, ठीक है, लेकिन अगर प्रोसेस से करने के लिए जाओगे ना तुम्हें इतना ज्यादा तकलीफ होगा, इतना ज्यादा तकलीफ होगा जिसका जवाब नहीं। प्रोसेस से करके देखना, बिना क्वालिटी के तुम जा ही नहीं सकते, कभी नहीं जा सकते बिना क्वालिटी। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से हम लोग समझेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग, एक और सवाल को हम लोग पिक करते हैं। ये एक था यहाँ पे, सुधार लेना, हम लोग दो में भी आएंगे, ऐसा नहीं है कि दो नहीं होगा, सारा एक्सेप्शन को देखेंगे। अभी तक एक्सेप्शन नहीं आए, अभी तक तुम देखो सारे परसेंटेज वैल्यू मैं वही ला रहा हूँ जिसमें 1 आ रहा है नंबरेटर में। ठीक है, एक और सवाल देख लो यहाँ पे, रेशियो ऑफ द इंटरेस्ट एक्यूर्ड ऑन अ सम व्हेन इन्वेस्टेड एट SI फॉर 2 ईयर। अब 2 साल का SI है और 3 साल का CI है, तो 3 साल के लिए अब तुम्हें याद हो जाना चाहिए कि 3x² 3x प्लस में 1 होता है, और 2 साल के लिए, 1 साल का चूंकि एक्स स्क्वायर होता है तो 2 साल के लिए क्या होगा, 2x², और ये क्या दे देगा, 91/50 क्या होगा, 50 उल्टा होगा, चूंकि SI और यहाँ पे पहले SI और CI था, मैंने यहाँ CI से लिया। अब 2 से मैं अगर इसे 25 काट दूं तो ये इक्वेशन देखो, ठीक है, ध्यान से समझना, इसी के बाद एक्सेप्शन है और इसी पे बेस्ड एक्सेप्शन है। ठीक है, इसी के बाद एक्सेप्शन है, 2 साल यहाँ पे आ गया ना, 2 साल के लिए यही इक्वेशन लिखोगे। ये क्वेश्चन अभी जस्ट तुमने पहले वाले सवाल में सॉल्व किया कि x की वैल्यू जो है 5 ले लेंगे तो सेटिस्फाई कर जा रही है यहाँ पे, तो r की वैल्यू जो हो जाएगी वो 1/5 क्या हो जाएगा, 20% हो जाएगा। ठीक है, 2 साल में भी मैंने दिखा दिया जहां तक काम कर गया। ठीक है, यहाँ तक जो है तुम्हारा काम कर गया, अब मैं वो दिखाता हूँ जहां पे ये काम नहीं करेगा और वहां पे हम लोग क्या करेंगे। ठीक है, पूरा अंडरस्टैंडिंग क्लियर कर लो ना, इस टाइप का कभी भी सवाल है कहीं पे भी फंसना नहीं। ठीक है, चलो एक और सवाल देखो, क्या देखो यहाँ पे क्या बोला, द रेशियो ऑफ द इंटरेस्ट एक्यूर्ड ऑन अ सम व्हेन इन्वेस्टेड एट SI 2 ईयर एंड द इंटरेस्ट एक्यूर्ड ऑन इट इफ इट इज इन्वेस्टेड एट CI फॉर 3 ईयर। 3 साल का CI, 3x² प्लस 3x प्लस में 1 और बटे में 2 साल का, तो 2x² क्या रेशियो में है, 3.99 है और नीचे में 200 हो जाएगा। चलो 2 से काट दोगे तो 2 से काटोगे 100 बार। ठीक है, मैं इस सवाल के लिए थोड़ा तुम्हें ऑप्शन भी दे देता हूँ। पहला ऑप्शन है 20%, दूसरा ऑप्शन है 30%, तीसरा ऑप्शन है तुम्हारा 40%, चौथा ऑप्शन है 50% और पांचवा ऑप्शन है, कुछ भी ले लो पांचवा ऑप्शन ले लो, 12.5%। ठीक है, क्या ले लिया हम लोगों ने, 12.5% ले लिया। अब एक चीज देखो, ये वाला फ्रैक्शन, ये परसेंटेज और ये परसेंटेज, इन तीनों का न्यूमरेटर में 1 आता है और इन दोनों के न्यूमरेटर में कुछ अलग 1 नहीं आता, 1 के अलावा कुछ भी आता है। ठीक है, अब चलो इसे एक चीज तो तुमने यहाँ पे देख लिया कि इन दोनों में अब कुछ कटने का कहीं कोई जुगाड़ नहीं, दिस इज द एक्सेप्शन, ये सवाल को समझो। ठीक है, लोग अक्सर छोटी छोटी चीज को देख के खुश हो जाते हैं जबकि ब्लंडर अभी बैठा हुआ रहता है, और ब्लंडर इसलिए आपके लिए तकलीफदायक हो जाता है क्योंकि आपने छोटी चीजों में ही बहुत ज्यादा मतलब महसूस कर लिया कि हाँ बस इतनी ही दुनिया है। ठीक है, दुनिया इतनी नहीं है, दुनिया का कोई अंत नहीं है। ठीक है, मतलब ये सवालों का कोई अंत नहीं है। ठीक है, लेकिन एक्सेप्शन है तो एक्सेप्शन का कुछ ना कुछ तो रूल होगा ना भैया। ठीक है, तो रूल क्या है, अब ये समझो कि एक्स स्क्वायर है, अब यहाँ ये कटेगा नहीं तो एक्स की वैल्यू तुम बोलोगे कि सर 10 ले लेते हैं। ठीक है, देख लेते हैं यहाँ पे 10, चेक करते हैं ऊपर में सेटिस्फाई कर रहा है नहीं। 10 का स्क्वायर करेंगे 100 तो यहाँ दे देगा 300, यहाँ दे देगा 30, यहाँ दे देगा 1, जो कि हो जाएगा 331। ये कहाँ सेटिस्फाई किया, बोलो अब तो फेल हो गया, अब तो ये फेल हो गया। ठीक है, ये फेल नहीं हुआ है अभी,
ये इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि इसका परसेंटेज जो है वो कुछ वाई बटे एक्स के फॉर्मेट में होगा। ठीक है, तो हमें कुछ एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है। जब कभी भी ये फेल हो जाए तो हमारे ऑप्शन में जिस भी न्यूमरेटर में वन आ रहा है उन ऑप्शंस को हमें क्या करना है, काट देना है। तो हमारे पास ऑप्शंस बचा कौन सा, 30% दैट इज 3/10, 40% दैट इज 2/5। अब एक चीज देखो, ये 9 के मल्टीपल में है तो 2/5 तो हम लेंगे नहीं, पहले पहला बार में हमारा अटेम्प्ट 3 पे ही जाएगा। अब चूंकि 1/x लेते हैं तो हम लोग यहाँ पे बैठाएंगे क्या, 10/3 बैठाएंगे। ठीक है, तो अब सारा जगह बैठा के देख लो कि ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। तो 3 × 10/3 का स्क्वायर क्या होगा, 100/9 प्लस में 3 × 10/3 प्लस में 1/100/9। यहाँ पे भी हम लोग क्या करते हैं, ऊपर नीचे 3 और 3 से गुना, और यहाँ पे भी ऊपर नीचे 9 और 9 से गुना, तो डिनोमिनेटर बैलेंस हो गया। यहाँ देखो 300, 3 × 9 और 1 90, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 9, 399/9, और यहाँ पे क्या आ गया 100/9। ये खत्म हो गया, देखो आ गया हमारा वही चीज। ठीक है, आ गया ना, हम बोल सकते हैं हमारा आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 30%। इस सवाल को एक और जरिया है सॉल्व करने का, एक और तरीका है इस सवाल को सॉल्व करने का, कि जब कभी भी तुम अटक जाओ और तुम ऑप्शन से नहीं कैपेबल हो करने में, ठीक है, कोई बात नहीं भैया, हम एकदम कोई दिक्कत नहीं है, नहीं कैपेबल है कोई बात नहीं, हम उसके बाद भी जुगाड़ कर सकते हैं। देखो क्या जुगाड़ कर सकते हैं, मैं बताता हूँ तुम्हें, थोड़ा सा मैं इसे इरेज कर लेता हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें यहाँ पे एक इक्वेशन लिख के दिखाता हूँ, उम्मीद करता हूँ आप ये चीज को पहले समझ लिए होंगे। ठीक है, अब ये तो तुम्हें तय हो गया कि x की वैल्यू 10 यहाँ पे काम नहीं करती। ठीक है, तो कैसे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे हम लोग इसे अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डाल देंगे, 300x प्लस में 100 बराबर में 399x2। अब ये हमारा 99x2 माइनस 300x माइनस 100 इज इक्वल टू 0। अब तुम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना जानते हो, ठीक है, सॉल्व कर लो, यहां से x की वैल्यू जो आ जाएगी वो 10/3 आ जाएगी। x की वैल्यू जो आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, 10/3 आ जाएगी। ये भी हम ऑप्ट कर सकते हैं कि जहां पे मेरा काम नहीं कर रहा है वहां पे हम लोग क्या करेंगे, ये लगा देंगे। और काम क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि वो परसेंटेज हम लोगों ने जो स्टार्टिंग से लिया था वो परसेंटेज वैल्यू कैसा लिया था, वो लिया था 1/x लिया था। थोड़ा सा वापस यहाँ पे आ जाओ, ठीक है, वापस यहाँ पे आ जाओ इस वाले में। ठीक है, हम लोगों ने जो लिया था वो क्या लिया था, 1/x लिया था। कुछ वैल्यू ऐसी होंगे जो कि 3/20 के फॉर्मेट में होंगी, 3/10 के फॉर्मेट में होंगी, तो उस केस में वो क्या हो जाएगा, y/x। लेकिन इतना ज्यादा वेरिएबल लेने का जरूरत नहीं है, तुम्हें चीजों को डायरेक्ट समझना है वहां पे कि उस केस में हम लोग कैसे कैसे क्या क्या करेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि ये एक्सेप्शन आपको समझ में आ गया होगा। एक और सवाल है हमारा इसी टाइप पे बेस्ड, देखो कितना आसान हम लोग कर लेते हैं इस सवाल को। ठीक है, क्या बोल रहा है, द रेशियो ऑफ द कंपाउंड इंटरेस्ट, एक सेकेंड, ये सवाल यहाँ, रेशियो ऑफ द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर ऑन सर्टेन सम। ठीक है, 3 साल के लिए सर्टेन सम ऑफ मनी इज 271:243। ठीक है, सी आई 3 साल के लिए, तो सी आई 3 साल के लिए हम लोग क्या जानते हैं, 3x² जानते हैं, 3x जानते हैं, और क्या जानते हैं, 1 जानते हैं। ठीक है, और 3 साल का हमें क्या जानना है, SI जानना है। ठीक है, अब भैया एक चीज अब तुम सिंपल सा समझो, जब हम लोग बात रेशियो पे ही कर रहे हैं तो जब 3 साल में 243 होगा तो 1 साल में कितना, 81, और 1 साल का कितना होता है, x² होता है। 1 साल का कितना होता है, x² होता है, और डायरेक्ट x की वैल्यू हम लोग यहां से क्या बोल देंगे, 9 बोल देंगे। ठीक है, डायरेक्ट x की वैल्यू क्या बोल देंगे, 9 बोल देंगे। तो स्केलिंग फैक्टर रेट परसेंट जो निकल के आएगा, ऊपर में भी सेटिस्फाई कर लेना, यहाँ पे भी सेटिस्फाई कर देना। ठीक है, रेट परसेंट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, रेट परसेंट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब हमसे क्या पूछ रहा है सवाल में, ये देखो, 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अनुपात बताइए,
दो साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अनुपात बताइए। ठीक है, मैं तुम्हें यहाँ पे इस सवाल के लिए, इस पर्टिकुलर सवाल के लिए जो है, मैं तुम्हें ऑप्शंस भी दे देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा एक सेकंड रुक जाओ, मैं तुम्हें ऑप्शंस भी निकाल के दे देता हूँ कि ऑप्शंस क्या क्या होंगे। सर मैंने ऑप्शन, हाँ देखो ऑप्शन मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, एक ऑप्शन लिखता हूँ 19:18, दूसरा ऑप्शन लिखता हूँ 18:17, तीसरा ऑप्शन लिखता हूँ मैं 16:15, चौथा ऑप्शन है मेरा 10:9 और पांचवा ऑप्शन है हमारा 81:18। ठीक है, ये हमारे ऑप्शन अवेलेबल है। अब एक चीज समझो, बहुत तरीके हैं बनाने का, जैसे बना लो, स्केलिंग फैक्टर 9 है 1 है, यानी प्रिंसिपल और अमाउंट में जो हो रहा है वो 9 से 10 हो रहा है एक साल में, तो दो साल में 81 से 100 हो रहा है। ठीक है, दो साल में क्या हो रहा है, 81 से 100, कितना इंटरेस्ट मिला, 19 मिला, तो इंटरेस्ट हो गया दो साल का 19। आगे मैं निकालू चाहे ना निकालू, मैं आंसर तो ऐसे ही बोल दूंगा क्योंकि 19 का मल्टीपल कोई है नहीं, एक ही है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। 1/9 है, दो साल के लिए चाहिए, तो 9 दुना कितना, 18। 9 दुना कितना, 18, या 81 का 1/9 करोगे तो 1/9 क्या देगा, 9, एक साल का 9 तो दो साल का कितना, 18। यानी कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर ए 19:18 कितना हो गया, 18 हो गया। तो सवालों का ना ये जो नजरिया है, हम लोग को इसी तरीके से देखना है और चीजों को कैसे बैलेंस करना है ये देखें। ठीक है, तो इन चीजों को ध्यान से रखिएगा। मैं अपने कम्युनिटी टैब में कोशिश करूंगा एक सवाल आपके लिए जो है वो पोस्ट कर दूंगा और आप लोग उसका आंसर जरूर दें। वो थोड़ा सा जो है मैं अच्छे लेवल का क्वेश्चन को पोस्ट करूंगा ताकि आपको आंसर देने में भी थोड़ा सा जो है दिमाग पे जोड़ लगे और चीजों को समझ। ठीक है, तो बेसिकली आज का कंक्लूजन यही है कि जब भी हमारा रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करे तीसरे साल वगैरह के बारे में या दूसरे साल वगैरह के बारे में, तो हम लोग इसी तरीके से काम करेंगे, डायरेक्ट आंसर दे देंगे। अब जो सवाल में टाइम लगेगा वो सवाल आसान हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लियर होगा और उम्मीद करता हूँ आपको ये एक्सेप्शन भी क्लियर होगा कि ये एक्सेप्शन वाले केस में क्या करेंगे। मैं जानता हूँ बहुत सारे लोगों ने इसके पहले भी, मैं क्लासेस में भी बता चुका हूँ, बहुत सारे लोग इस चीज़ को बता चुके हैं यूट्यूब पे, लेकिन इस एक्सेप्शन के बारे में बहुत कम लोगों ने बता रखा। तो इस चीज़ को समझो और एक लिमिटेड दायरे तक सीमित मत रहो, जहां तक एक्सप्लोर कर सको वहां तक पहुंचो। ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक ना ध्यान रखें, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, सवालों को बनाते रहें, इस टाइप का सवाल इकट्ठा कर लो, बुक वगैरह से देख देख के बना लो। मैं कोशिश करता हूँ ऐसा ही एक और कुछ 10-15 क्वेश्चन का सीट रेडी कर दूं और तुम लोगों तक पहुंचा दूं। ठीक है, तो ध्यान रखें, मिलते हैं अगले सेशन में, थैंक यू।